हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक ऑल आर वेरी वेल. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम हेयर विद द इंग्लिश कोर्स बुक एंड एज ऑलरेडी नो अबाउट द चैप्टर्स नेम, चैप्टर 4 इज देयर एंड द चैप्टर नेम इज हाउ क्लेवर. ओके, एंड वी आर डूइंग द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. And in exercises, we have topic about antonyms, which we had explained and read yesterday. Hope students, you all have understood about this exercise, which was your studies exercise. And now, this page number, as you can see, today we are on page number 49. Page number 49. Students, so I think you all have remembered, there was one exercise to do at home for you all. Hope students, you all have tried and complete this also. But at once, let me tell you or let me give you the worksheet or answers, okay, of this exercise. So for that, I will repeat it at once. So let's try from exercise B. So everyone, take out your English course book and open the page number 49. सारे लोग अपनी इंग्लिश की कोर्स बुक ओपन कर लीजिए एंड पेज नंबर 49 को भी ओपन कर लीजिए. एंड यू हैव टू मैच योर आंसर्स, वॉट एवर यू हैव सर्कल ना अपोजिट वर्ड्स. यहाँ पे आपके वन साइडेड में कुछ वर्ड्स हैं, सेकेंड साइडेड में इनके अपोजिट वर्ड्स हैं. तो आपको क्या करना है, इनके अपोजिट वर्ड्स को, इनके अपोजिट वर्ड को आपको सर्कल करना है. ओके, फ्रॉम दीज ऑप्शंस. सो होप यू ऑल हैव डन. सो लेट्स स्टार्ट टू मैच योर आंसर्स फर्स्टली. और जैसे कि मैंने आप लोग कहा था कि आप इन सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग भी राइट कर लेंगे इनके जिस फ्रंट पे. ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर. न्यू, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ न्यू? न्यू की मीनिंग क्या होती है? नया होता है. ठीक है, एंड वी हैव टू राइट सर्कल द अपोजिट ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इन ईच लाइन. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सर्कल द अपोजिट ऑफ द फर्स्ट वर्ड मीन्स फर्स्ट वर्ड यू हैव दिस वन एंड यू हैव टू सर्कल द अपोजिट वर्ड फॉर दिस वर्ड. ओके, न्यू मीन्स हमारा होता है नया. सो देयर विल बी अपोजिट वर्ड ऑफ न्यू, ओल्ड. सो लेट्स कम टू फाइंड ओल्ड. इज देयर ओल्ड वर्ड? फार नो, स्लो नो, एंड ओल्ड इज देयर. सो वी विल सर्कल टू द ओल्ड. ओल्ड को क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट, एम्प्टी मीन्स खाली. देन एम्प्टी, द अपोजिट वर्ड विल बी ऑफ एम्प्टी इज फुल, एज आई हैव ऑलरेडी डन फुल. नेक्स्ट, लाउड मीन्स तेजी से, शोर के साथ. अपोजिट वर्ड आपका होगा लाउड का क्वाइट. ठीक है, मीन चुपके से, शांति से. सब लोग मैच करते जाएंगे अपनी बुक में. नेक्स्ट, क्लोज मीन्स बंद होना एंड दी अपोजिट वर्ड ऑफ क्लोज विल बी ओपन. मीन्स कुछ क्लोज होना एंड समटाइम ओपन होना. दे आर जस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ ईच वर्ड्स. ओके, ईच अदर. नेक्स्ट, ईजी मीन्स आसान, सरल होना. एंड द नेक्स्ट वर्ड यू हैव आउट योर डिफिकल्ट मीन्स कठिन होना. ओके, नेक्स्ट, लॉस मीन्स खो जाना. फाउंड, फाउंड मीन्स पाना, पा लेना. नेक्स्ट वन यू हैव वाइज मीन्स बुद्धिमान, चतुर जिसको बोलते हैं. एंड द अपोजिट वर्ड ऑफ योर वाइज विल बी फूलिश मीन्स मूर्ख. ओके, नेक्स्ट यू हैव, नेक्स्ट वन यू हैव मेनी मीन्स बहुत सारे, कई सारे. तो यहाँ पे आपका मेनी का अपोजिट हो जाएगा फ्यू मीन्स थोड़े से, कुछ बहुत कम. विन मीन्स जीत लेना. ओके, एंड द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड विल बी लॉस मीन्स हार जाना, खो देना. एंड द लास्ट वर्ड यू हैव अबाउट योर ऑलवेज. सो ऑलवेज, वेन एवर वी डू एनी वर्क, ऑलवेज एंड समटाइम वी नेवर डू दैट वर्क. सो ऑलवेज मीन्स हमेशा करना, ऑफन करना, हमेशा करना. तो अपोजिट वर्ड आपका हो जाएगा ऑलवेज का नेवर. अपोजिट वर्ड ऑफ नेवर. एंड वॉट एवर रिमेनिंग वर्ड्स आर देयर, दे ऑल आर नॉट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स. ओके, तो जो भी आपके अपोजिट वर्ड्स हैं उनको आप सर्कल कर लीजिए और इस वर्कशीट से अच्छे से मैच कर लीजिए सब लोग अपने आंसर्स को. होप यू ऑल हैव मैच्ड योर आंसर, यू ऑल हैव चेक्ड योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज मीन्स नेक्स्ट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट टू मूव विच इज अबाउट योर बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है, क्या है आपका, जो कि आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है. ठीक है,
So in this building blocks, we will read about today statements and questions. Statements and questions means in this topic today we have to read about the statement means type of sentences. Statement kya hai? Type of sentences hai na? Statements and questions. And you will get some sentences. What? Type of question sentence. So let's start to read from here. We use different types of sentences for the different things we want to say. We use different types of sentences means hum different types ka alag alag sentences ka use karte hain when for the different things mein agar alag alag cheezon ko explain karne ke liye express karne ke liye we want to say means jo ki hum kehna chahte hain. We use different types of sentences means we always use different types of sentences kis liye for the different things means different cheezon ko ओके विच वी वॉन्ट टू से जो कि हम कहना चाहते हैं मीन्स समटाइम इफ़ यू आर गिविंग एनी स्टेटमेंट अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट ईजी स्टेटमेंट तो वो आपका होगा स्टेटमेंट एंड इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन टू एनी वन आर टू समवन तो वो क्वेश्चन वो जो आपका स्टेटमेंट होगा वो क्वेश्चन स्टेटमेंट होगा ना क्वेश्चन टाइप का आपका ये सेंटेंस होगा ठीक है तो हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस को अपने अपनी अपनी फीलिंग्स को अपनी जो भी चीज़ें हमें उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं ओके सो नाउ वी विल सी टू दिस विद एग्जांपल्स आल्सो सो लेट्स कम टू रीड अबाउट दिस स्टेटमेंट व्हेन वी वांट टू टेल समवन मीन जब हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं समथिंग जब हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं वी यूज ए स्टेटमेंट सो वी यूज देयर अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट वहाँ पर हम एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज कथन ठीक है एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जो कि आपका है एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल तेनाली रामन वॉज अ वाइज मैन मीन्स देयर इज समवन हु इज टेलिंग अस अबाउट द तेनाली रामन ठीक है ना यहाँ पे कोई है जो हमें तेनाली रामन के बारे में बता रहा है तो क्या हो जाएगा तेनाली रामन वॉज अ वाइज मैन समवन इज टेलिंग अबाउट द तेनाली रामन जो हैं वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं बुद्धिमान पर्सन हैं ठीक है ना है नहीं थे बिकॉज देयर वॉज ओके सो वी आर जस्ट गेटिंग अ स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है बाय द नेक्स्ट पर्सन ओके नेक्स्ट पर्सन से अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन टाइप के सेंटेंसेस कैसे होते हैं व्हेन वी वांट टू आस्क समवन समथिंग मीन्स व्हेन एवर यू वांट टू आस्क मीन्स जब कभी अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं वी यूज अ क्वेश्चन Then we use a question type sentence. तो हम क्या क्या use करते हैं एक sentence use करते हैं जो कि question type का होता है जैसे कि आप example देख सकते हैं How do you catch a yard of smoke as well as the king yard the king कृष्णदेव राय asked this type of question to his courtiers. Ask किया था उन्होंने How do you catch means आप कैसे catch कर सकते हो a yard of smoke 3 feet long जो स्मोक की जो इंसेंट स्टिक होती है उसको आप कैसे कैच कर सकते हो कैसे ला सकते हो तो यहाँ पे किंग कृष्णदेव राय जो है वो क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं ना वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ओके तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए एंड एट लास्ट यू कैन सी स्टूडेंट्स एट लास्ट यू कैन सी यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क ऐसे So whenever we want to ask or whenever we ask any question in any sentence, so at the end of that sentence we must have to put up the question mark. तो हमें question mark put करना at last में बहुत ही necessary होता है otherwise your sentence will be incomplete. आपका sentence वो incomplete होगा ठीक है तो जब भी question ask करते हैं question में तो हम at last पे question marks को put कर देते हैं ठीक है तो हम लोगों ने क्या learn किया स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस को लर्न किया इन स्टेटमेंट्स इफ़ वी वांट टू टेल समथिंग और वी वांट टू गिव इन्फॉर्मेशन टू एनीवन ठीक है तो हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं एंड इफ़ यू वांट टू और इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन और इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग टू समवन ठीक है ना तो वहाँ पर हम एक क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस यूज़ करते हैं उसके साथ हम क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ करते हैं जो कि आपका ये है ठीक है होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंडिंग मी वेल ओके सो नाउ इट्स टाइम टू मूव टू दी एक्सरसाइजेस विच इज़ गिवन रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो चलिए स्टार्ट करते हैं
चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। लेट्स ट्राई फोर, लेट्स ट्राई फोर एक्सरसाइज वी हैव। ओके स्टार्ट, रीड दिस सेंटेंसेस अलाउड। कैन यू हियर द डिफरेंसेस? विच वन आर स्टेटमेंट एंड विच आर क्वेश्चंस? राइट इट इन द स्पेस गिवन नेक्स्ट टू द सेंटेंसेस। रीड दीज सेंटेंसेज अलाउड मीन्स आपको सबसे पहले इन सारे सेंटेंसेज को लाउडली रीड करना है। कैन यू हेयर, क्या आप सुन सकते हैं डिफरेंस? एंड जब आप ये क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं तो क्या आप इन सारे क्वेश्चंस के डिफरेंसेज को फाइंड कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस में डिफरेंसेज हैं, इन सारे स्टेटमेंट्स में डिफरेंसेज हैं? विच वन आर स्टेटमेंट एंड देन आफ्टर मेकिंग द डिफरेंस यू हैव टू राइट डाउन विच वन इज इन स्टेटमेंट एंड विच वन इज इन क्वेश्चन। आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है और कौन सा सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन टाइप का है। राइट इट इन द स्पेस गिवन नेक्स्ट टू द सेंटेंसेस। उसके बाद क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस के टाइप होंगे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्पेस दिए गए हैं, इन सारे स्पेसेस में आपको इन सारे क्वेश्चंस के टाइप को आइदर स्टेटमेंट्स और क्वेश्चन टाइप को राइट कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे इन स्पेसेस में राइट कर देंगे। क्लियर? सो शुड वी स्टार्ट नाउ टू डू दिस एक्सरसाइज? येस, वेरी गुड। सो ऑल ऑफ यू लेट्स स्टार्ट विद मी। सब लोग स्टार्ट हो जाइए एंड यू हैव टू गिव आंसर। आप सबको आंसर देना है, सो लेट्स गेट रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं, टीना इज सिटिंग ऑन अ स्विंग। टीना इज सिटिंग ऑन अ स्विंग। सो स्टूडेंट्स, व्हाट कैन यू गेस अबाउट दिस सेंटेंस? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टीना, इट मीन्स यू कैन सी देयर इज समवन हु इज टेलिंग अबाउट टीना, ठीक है ना। यहाँ पे सेकेंड पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन जो है सेकेंड पर्सन के बारे में बता रहा है कि टीना जो है वो क्या कर रही है, स्विंग पे सिटिंग कर रही है। तो ये क्या आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट बताई जा रही है, तो हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, स्टेटमेंट। देखिए मैंने स्टेटमेंट राइट किया ना, ऐसे आप भी राइट करेंगे अपने बुक में। नेक्स्ट, इज राहुल गोइंग टू द पार्क। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द सेंटेंस। आर यू गेटिंग द डिफरेंसेज फ्रॉम द फर्स्ट वन? क्या आपको डिफरेंसेस मिल रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस? यस, यहाँ पे क्वेश्चन राइज है, क्या राहुल पार्क जा रहे हैं? क्या राहुल पार्क को जा रहे हैं? यहाँ पे कोई जो है फर्स्ट पर्सन जो है वो किसी से आस कर रहा है, सेकेंड पर्सन से आस कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि क्या राहुल पार्क जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सो होता है, वी कैन गेस वेरी वेल दैट नाउ दिस क्वेश्चन इज इन योर क्वेश्चन। ओके, इट्स योर क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन राइट कर देंगे। क्लियर? और आप देख सकते हैं लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क भी हैं, इससे भी आप आइडेंटिफाई और गेस कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू मूव टू दी पेज नंबर 50। चलिए हम पेज नंबर 50 को देखते हैं, ठीक है। चलिए पेज नंबर 50, ऑल ऑफ यू लेट्स टेक आउट द पेज नंबर 50। सब लोग ओपन कर लीजिए अपने बुक में। कर लिया सब लोगों ने? ओके फाइन। देखिए यहाँ पे रिमेनिंग एक्सरसाइजेस हैं, हमारा जो लेट्स ट्राई फोर एक्सरसाइज था ना, उसके रिमेनिंग एक्सरसाइजेस यहाँ पे हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आपका है, माय मदर इज कुकिंग डिनर। समवन इज टेलिंग अबाउट हर मदर, हर आर हिज मदर। यहाँ पे माय मदर इज कुकिंग डिनर, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बताई जा रही है कि मेरी मदर जो है वो डिनर कुक कर रही हैं, तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट दी जा रही है। नेक्स्ट आपका, इज़ माई ब्रदर इन योर हाउस। क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या मेरे ब्रदर आपके घर पे हैं? यहाँ पे टू पर्सन जो है आपस में टॉकिंग कर रहे हैं, दे आर आस्किंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज आस्किंग क्वेश्चन अबाउट हिज ब्रदर, ठीक है, और पूछ रहे हैं क्या मेरे ब्रदर आपके घर पे हैं, आपके घर में है, हाउस में है, तो ये क्या हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में है, तो वेरी सिंपली हम यहाँ पे क्वेश्चंस राइट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। ये भी आपका स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी जा रही है, यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, ये भी आपका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, आर वी एट द राइट प्लेस। नाउ इन दिस सेंटेंस देयर इज आस्किंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रॉम द नेक्स्ट पर्सन, आर वी एट द राइट प्लेस। क्या हम राइट प्लेस पे हैं, क्या हम सही प्लेस पे जा रहे हैं? यहाँ पे आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो हम क्वेश्चन राइट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हु स्कोर्ड द गोल।
यहाँ पे भी क्वेश्चन है, समवन स्कोर द गोल, सो उसके बारे में आस्क हो रही है कि किसने गोल को स्कोर किया है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन राइट कर देंगे। देखिए जैसे मैंने ऑलरेडी राइट कर दिया है, आप लोग भी इसको केयरफुली करेंगे। दिस इज़ अ नाइस रेस, ये भी आपका स्टेटमेंट है, यहाँ बताई जा रही है कि जो ड्रेस है वो अच्छी है, उसके ड्रेस अकॉर्डिंग टू ड्रेस स्टेटमेंट दी जा रही है। नेक्स्ट है, इज़ दैट अ न्यू पेयर ऑफ शूज, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सराइजिंग क्वेश्चन आस्क की जा रही है, क्या वह एक क्या है न्यू पेयर ऑफ शूज, वो एक न्यू शूज की पेयर है, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर देंगे वेरी इजली। नेक्स्ट, आर वी गोइंग टू ईट आइसक्रीम, क्या हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। समटाइम यू ऑल्सो आस्क टू योर पेरेंट्स आर योर ब्रदर सिस्टर्स ना वाइल विजिटिंग एनीवेयर, क्वेश्चन आइस करते हैं ना। एंड लास्ट में देखिए आपका क्वेश्चन मार्क भी है, सो विदाउट थिंकिंग मच यहाँ पे राइट कर देंगे क्वेश्चन, मीन्स ये आपका क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है। होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टूड वेरी वेल, ओके। तो आप लोग क्या करेंगे, पेज नंबर 49 एंड 50 के एक्सरसाइजेस को अपने बुक में अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस वर्कशीट की हेल्प से भी कंप्लीट कर लेंगे, बट फर्स्टली आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, लेट्स ट्राई 5 विच इज़ अबाउट दी पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है ना, जो कि आपका पंक्चुएशन मार्क है, एंड पंक्चुएशन एंड क्वेश्चन मार्क, दी नेक्स्ट एक्सरसाइज अबाउट दी क्वेश्चन मार्क एंड पंक्चुएशन मार्क, ओके। सो विच वी विल डू द नेक्स्ट डे, तो आज का आपका जो वर्क है वो अबाउट स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, और इसको अच्छे से रिवाइज करने के बाद इनके डेफिनेशंस को देखिए, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसको इन सारे डेफिनेशंस को अपने माइंड में आपको ऑलवेज कीप करना है, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी आप एट होम ट्राई करेंगे, रीड करेंगे, एंड इफ दैट बी पॉसिबल सो आप लोग इसको अपने बुक में भी कंप्लीट करेंगे, एंड आफ्टर गेटिंग द नेक्स्ट वर्कशीट आप लोग अपने आंसर्स को अच्छे से चेक कर लेंगे, मैच कर लेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट टू डू योर वर्क, एंड आफ्टर डूइंग योर वर्क सेंड योर वर्क थ्रू द स्कूल एप्लीकेशन। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।